दोस्तों अभी हम हॉस्पिटल से ब्लड टेस्ट करके आया है और रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसलिए हम आज अमृता को यहाँ मॉल में घुमाने ले के आया है। गाइस यहाँ पर हमने अमृता को बिठाया गाड़ी में। देखिए अमृता कितना खुश लग रहा है, इसका स्माइल देखो कितना प्यारा है। गाइस अभी मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ और मेरा चेहरे पर है ना पूरा स्माइल है। आज मुझे ना मैं बहुत खुश हूँ गाइस। और यहाँ हमने पिज़्ज़ा खाया लंच के लिए ना। देखिए अमृता का ये एकदम नया एक्सपीरियंस है, हमने फिर इसके लिए हमने कैंडी लिया। ओके तो चलो चलते हैं, अभी टाइम आ गया आप हॉस्पिटल वापस जाने, और देखते हैं अभी डॉक्टर क्या कहता है ना। और हॉस्पिटल आते हमको बहुत अच्छा खबर मिला है कि अमृता का वेट है वो 18 kg है, जो कि लास्ट टाइम हमने चेक किया तो 16 kg था। लेकिन तभी एक समस्या आया था जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि अमृता को 2 बार सर्जरी करना पड़ेगा। सबसे पहले अमृता का लिप्स जो है वो हम ठीक करवाएगा, और फिर इसके 6 महीने के बाद हम अमृता का जो अंदर में वो पैलेट जो है वो हम फिक्स कराएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अमृता ने उम्मीद नहीं खोया है, देखिए वो कितना खुश लग रहा है। एंड फाइनली हमने अमृता को हॉस्पिटल में भर्ती किया है। वहाँ हर बच्चा अपने माँ के साथ था, और यहाँ अमृता के लिए मैं हूँ, क्योंकि अमृता का माँ जो है अभी इस दुनिया में नहीं है। सो फाइनली वी आर डन, हमने अमृता को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, और उधर अमृता का सिस्टर उधर ही रहेगा उसको देखभाल करने के लिए ना। और डॉक्टर कह रहा है कि हो सके तो वो कल ही सर्जरी होगा बोला है ना, तो वो हमको अपडेट देते रहेगा। और फिलहाल हम अभी अमृता का घर पर आया है, क्योंकि इधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हमको इधर भी देखना पड़ता है। चलो आ जाओ तो देखते हैं अभी प्रोग्रेस कितना हुआ है। अभी हॉस्पिटल में पूरा काम बहुत अच्छा हो गया, बहुत स्मूथ हो गया, हमको बहुत अच्छा लगा। ओ ये तो रास्ता ही बदल गया यार, ये देखिए गाइस काम चल रहा है अभी इधर। गाइस यहाँ है बाथरूम बना रहा है बाथरूम के लिए, और उधर है सेप्टिक टैंक। यहाँ देखिए ये पूरा खोद गया, कहाँ है रंजित जी? ओ ये देखिए ये पूरा बना दिया, अभी ये भी पूरा लेवल बना देगा, फिर इसके ऊपर ईंट लगाएगा। जब इसके ऊपर ईंट लगा लेंगे ना तब हम इसको तोड़ देगा। कोई नहीं घर पे ओ लंच का क्या बनाए, पानी उबाला। और रंजित भाई और अमृता को हॉस्पिटल में हो गया एडमिट, ठीक है? हो सके तो सर्जरी कल होगा बोला, नहीं होगा तो मंडे को होगा बोला। लेकिन उसका है ना अभी ये उसका ये है ना ये लिप्स ये वाला बार वाला सिर्फ वही होगा बोला अभी, और अंदर वाला है ना अंदर वाला 6 महीने के बाद, ठीक है 6 महीने के बाद करना पड़ेगा बोला। कोई बात नहीं, आपको चिंता लेने का जरूरत, क्योंकि 6 महीने के बाद फिर हम आ जाएंगे वापस। आपको तो आने ही पड़ेगा देखने के लिए। हाँ हम तो आए आना ही पड़ेगा बोला, हम आएंगे जरूर आएगा है ना, हाँ आएगा हम, ठीक है ठीक है सर। लेकिन इसका ये पूरा अभी ठीक हो जाएगा ये वाला, ठीक है लिप्स हाँ थोड़ा तो अच्छा लग जाएगा ना, अंदर वाला हम बाद में बनाएंगे 6 महीने के बाद। और आपको पता है अमृता है ना 2 किलो भर गया, हाँ कितना खुश हो गया, 18 किलो हो गया, लास्ट टाइम हमने चेक किया था 16 किलो था, अब 18 किलो हो गया। अच्छा है ना फिर, अच्छा है हाँ खाना अच्छा खा रहा है ना अभी, खाना भी तो पूरा खा रहा है अभी, उसके लिए दूध ले जाने पड़ेगा। हाँ ये उधर हॉस्पिटल में दे देंगे है ना, हम एक दो दिन हॉस्पिटल में रखेंगे, फिर इसके बाद छुट्टी हो जाएगा, फिर हम घर पे लाएगा उनको, ठीक है जल्दी आने से तो आप तो रहेगा। हाँ अभी कोई चिंता नहीं है, अभी अमृता का दीदी है ना वो उसके साथ है, हाँ हम तो रह नहीं सकते ना, वो लोग बोलते हैं लड़की एक लड़की बैठना पड़ेगा बोला, तो इसलिए अब टेंशन नहीं लेना, ना 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 खुश रहो, आप इधर काम कर रहे हैं ना, घर बनाओ इधर ध्यान दो, ठीक है
अमृता का चिंता मत करो आप, ओके वो हम कर लेंगे पूरा आप, ठीक है? नहीं जी ओके। और काम कैसे चल रहा है इधर? बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है ना? भाई यहाँ आया, ईटा ईटा हमने लाया है। ये रंजीत भाई रो रहा है फिर खुश हो रहा है आपको? तो इसके ऊपर ईट कब लगाएगा? कल से होने, मैंने से ना ये अभी खोल दीजिए क्योंकि इसको खोलना चाहिए। इसको खोलने से अपने उठेगा, खड़ा होगा। अच्छा वो बोल दिया है। गाइस ये जो आप रूफ देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये लकड़ी का ओ क्या है, घास बांस का है। अच्छा इसको हम पूरा तोड़ देगा और टिन का बना देगा, अच्छा वाला है ना, ताकि हाँ उधर जोड़ देंगे हम। हाँ जोड़ देंगे ना, क्यों नहीं, इसको पूरा तोड़ देंगे हम, टीना लगा देंगे। कोई चिंता नहीं आपका घर पूरा हमें ना एकदम अच्छा बना देंगे आप। अच्छा कर दीजिए सब, आप खुश रहो, आप लोग आते रहिए आते रहिए आते रहिए। हाँ आते रहेंगे हम, हमको तो आप 6 महीने के बाद तो आना ही पड़ेगा है ना अमृता का, जब तक पूरा ठीक नहीं हुआ तब तक हम आएंगे। ओके ओके। तो ये सेप्टिक टैंक है ना, सेप्टिक टैंक। और इधर अभी बाथरूम का ये बना रहा है, देखिए बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा होगा। चलते फिर हम चलेंगे। हाँ अब खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है साहब। हाँ चले ओके चलते। हाँ सो गाइस यही था तो आज का वीडियो यही बंद कर देते हैं। आज हमारा दिन बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हमारा जो भी काम है ना सब फटाफट हो गया ना, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अमृता भी है ना एकदम आराम से एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, और उधर का डॉक्टर और नर्स जो भी है ना स्टाफ लोग बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं। और जब और वो लोग पूछते हैं ना ये क्या लगता है अमृता, हम बोला हम उनका मदद कर रहे हैं, तो वो लोग ना और ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अमृता को ना बहुत प्यार दे रहा है, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। तो आप सब चिंता ना करें ना, अब बस आप सब प्रे करें कि अमृता का सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए। ओके फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। हो बहुत अच्छे हैं, कुछ कर रहे हैं, बल्ले 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 बल्ले।